वेलकम बैक टू माय चैनल यूट्यूब कुकिंग मास्टर में फिर से एक बार मैं आपका स्वागत करती हूँ। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, मैं आपकी रेनू। आइए मैं आज आपको चॉकलेट केक बनाना सिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये बिस्किट को रैप से निकाल लिया है। अब मैं इसमें क्या क्या सामग्री डलती है मैं वो आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने 1 कप मिल्क लिया है, थोड़ा मैंने बटर ले लिया है, 1 पैकेट मैंने इनो लिया है, और डेकोरेट के लिए मैंने डेरी मिल्क चॉकलेट लिया है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने बिस्किट को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। जो मैंने 4 टाइगर क्रंच लिए थे और 2 पार्ले जी लिए थे, तो मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। हमें अपना पूरा पाउडर इस बाउल में निकाल लेना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें 1 टेबल स्पून बटर डाला है। और इसमें हम अब मिल्क ऐड करते हैं। मिल्क एक साथ नहीं डालेंगे हम, थोड़ा थोड़ा करते हुए इसमें मिल्क ऐड करेंगे, जिससे कि हमारा बैटर बहुत ही अच्छा बने। एक साथ अगर हम डाल देंगे तो बैटर गीला भी हो सकता है और अच्छा नहीं होगा। इसको हम मेल्ट करते हैं। ओके, देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें हम धीमे धीमे दूध मिलाते जाएंगे, जिससे हमारा बैटर एकदम स्मूथ बन के तैयार हो। दूध को हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, कितना स्मूथ सा हमारा एक बैटर तैयार हो गया है। इधर हमारा बैटर तैयार है, इधर हम एक तवा गैस पे रखते हैं और उसको प्री हीट करने के लिए रख देते हैं। ये देखिए, हल्का हल्का प्री हीट होना चालू हो गया है। अब तक हम अपना बैटर में आगे के इंग्रेडिएंट्स डालते हैं। देखिए, हमने एक इनो लिया है, इनो को हम इसमें ऐड करेंगे। इसमें हम थोड़ा मिल्क डालते हैं, इसको अच्छे से हम इसमें मिक्स कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने अपने सारे बैटर को इसमें ऐड कर लिया है। अब हम इसको ऐसे थोड़ा सा कर देंगे ताकि ये बराबर हो जाए। अब आइए हम इसको अपने तवे पर रखते हैं। अब हम इसको एक छन्नी से अच्छे से अब इसको हम 30 मिनट तक पकाएंगे। आइए फ्रेंड्स, जब तक हमारा केक बेक हो रहा है तक हम उसको डेकोरेट करने के लिए सामग्री तैयार करते हैं। ये देखिए, मैंने शुगर पाउडर लिया है और ये डेरी मिल्क लिया है। मैंने चॉकलेट को रैप से निकाल लिया है। अब इसको हम मेल्ट करने के लिए रखते हैं। मेल्ट करने के लिए देखिए, मैंने पहले से ही थोड़ा पानी एक भगोनी में ले रखा है और उस पर हम अपना ये रखेंगे और इसको हम मेल्ट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो गई है। और प्लीज़ दोस्तों, आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन प्रेस करने से आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। और अगर आप मुझे कोई सुझाव देना चाहते हैं तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप मुझे सुझाव दे सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, अब हम अपना केक चेक करते हैं कि यह अच्छे से बेक हो गया है या नहीं। ये देखिए, हमारा केक कितना फूला है। लेकिन हम इसको चेक करते हैं एक बार। ये देखिए, एक टूथपिक लेते हैं और इस तरह हम अंदर इसको प्रेस करते हैं। अगर प्रेस करके निकालते हैं, अगर देखें अंदर टूथपिक में लगा नहीं है तो समझिए आपका केक पक चुका है। ये देखिए कितना अच्छा पका हुआ है। अब इस हम इस केक को तवे से नीचे रखते हैं और इसको 20 मिनट्स के लिए ठंडा होने के लिए रख देते हैं, ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए और हम इसको अच्छे से डेकोरेट कर सकें। आइए हम देखते हैं हमारा केक ठंडा हुआ कि नहीं। ये देखिए, हमारा केक बिल्कुल ही ठंडा हो चुका है। अब हम इसको एक चाकू की सहायता से तो किनारे किनारे से प्रेस करके ऐसे कर देंगे, ताकि हमारा केक आसानी से प्लेट में आ जाए। अब हम एक प्लेट लेते हैं, प्लेट हम इसमें ऐसे करेंगे, इसको हम ऐसे पलट देंगे, थोड़ा थोड़ा इसको थपथपाएंगे और देखिए हमारा केक कितना अच्छा बनके तैयार हुआ है। और देखिए कितना स्पंजी सा है। आइए अब हम इसको डेकोरेट करते हैं। आइए अब हम केक को सीधा करते हैं। अभी हम इसको अच्छे से डेकोरेट कर लेते हैं।
केक को डेकोरेट करने के लिए मैंने शुगर पाउडर लिया है, और ये मेरी मेल्ट की हुई चॉकलेट है, और गार्निश के लिए मैंने एक चॉकलेट लिया है, और पेपर की सहायता से मैंने एक हार्ट शेप बना लिया है जो मैं ऊपर से इसको लगाकर डिजाइन बनाऊंगी। हमारी चॉकलेट की लेयर अच्छे से लग चुकी है, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। अब हमने जो हार्ट शेप बनाया था अब हम इसके ऊपर ऐसे लगा देते हैं, इस पर अच्छे से इस पर चिपक जाए। फिर हमने जो शुगर लिया था उसको हम एक छन्नी में लेंगे, इससे हम ऐसे डेस्टिंग करते हैं। ये देखिए हमारी डेस्टिंग कितने अच्छे से हो रही है, और ये कितना अच्छा लग रहा है हमारा केक देखने में। ये देखिए हमारी शुगर इस पर अच्छे से लग चुकी है, इसकी डेस्टिंग अच्छे से हो गई है। अब हम चॉकलेट लेंगे और चॉकलेट से अच्छे से हम इसको गार्निश करेंगे। गार्निश अब कंप्लीट हो गई है, अब हम इसको हार्ट शेप को अपने अच्छे से मैंने इसमें से हार्ट शेप निकाल लिया है, और ये देखिए देखने में कितना अच्छा और डिलीशियस लग रहा है। आइए अब हम इसे काट कर देखते हैं। ये देखिए हमारा केक कितना अच्छा लग रहा है, गलत हमने अपना केक कट कर लिया है। और ये देखिए हमारा केक कितना स्पंजी बना है, कितना अच्छा है। आप अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में दीजिए। और अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। ओके, थैंक यू।